सिंदूर मांग में दो चुपके अपनी आंखें खुली रखिए, आंखें बंद नहीं करना, हम आपके पास ही हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप बस अपनी आंखें खुली रखिए, आंखें बंद मत कीजिए, कब खुश होगा। आप बस अपनी आंखें खुली रखिए, बिल्कुल आप हमें देखते रहे, हमें देखते रहिए। हम तो कान्हा जी से प्रार्थना करते हैं कि उस लड़की का मुंह हमें फिर से ना देखना पड़े। बड़ी आपसे ना एक छोटी सी बात और करनी थी। बड़ी माँ, अकेलेपन का दर्द क्या होता है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। इस समय विनायक भाई मेरी तरह ही खुद को अकेला महसूस कर रहे होंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? आप मेरी बहन आरुषि को तो जानती हैं। आप कहें तो मैं कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ बुला लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि विनायक भाई और उसकी दोस्ती होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद उन्हें समझा के उनसे बात करके आप उनकी शादी करवा दीजिएगा, ताकि इस सिद्धि नाम की मुसीबत से हमें छुटकारा मिल जाए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अगर सिद्धि को विनायक की जिंदगी से दूर करना है तो किसी और को विनायक के पास लाना ही होगा। कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। कोई है? विनायक, विनायक अपनी आंखें खोलिए, विनायक, विनायक सिद्धि की तरफ देखिए, प्लीज विनायक आंखें खोलिए, विनायक। नहीं कनच, आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आज आपको हमारे पति को ठीक करना ही होगा। अगर आपने हमारे पति को नहीं बचाया तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। अगर हमने आज तक कभी भी कोई भी अच्छा काम किया तो प्लीज प्लीज विनायक को ठीक कर दीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए काना जी, प्लीज। मंगलम करो।
सच में वो ऐसा लग रहा है इस घर से किसी बुरी नजर का साया हट गया। फाइनली वो मनहूस लड़की इस घर से चली गई। वैसे ना हमारा दिल थोड़ा थोड़ा दुख रहा है, थोड़ी तकलीफ तो है हमें, क्योंकि हमने उस लड़की के साथ जो किया ना ठीक नहीं किया। अरे माना कि इस बड़े खानदान की बहुरानी नहीं बन सकती थी वो, लेकिन नौकरानी तो बन सकती थी। अरे रोज रोज मजेदार लज्जतदार खाने खाने को मिलते। शुभ शुभ बोलिए बुआ, शुभ शुभ बोलिए। इस लड़की का नाम भी मत लीजिए, वरना कहीं से भी वो चुड़ैल आ धमकेगी। हेलो डॉक्टर साहब, निशा बोल रही हूँ। घाव काफी गहरा है, अच्छा हुआ किसी ने इनके घाव पर मजबूती से पट्टी बांधकर ज्यादा खून बहने से रोक लिया। सब आपकी कृपा है कान्हा जी, हम जाके कान्हा जी को धन्यवाद कह के आते। अगले 24 घंटे थोड़े क्रूशियल हैं। किसी को इनके पास लगातार रुककर मॉनिटर करना होगा। हालत जरा सी भी बिगड़ी तो फौरन मुझे कॉल कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब आइए, हम आपको बाहर तक छोड़ के आते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के, विनायक को ठीक करने के लिए। संभालिए खुद को बड़ी माँ, संभालिए। पता नहीं ये सांवली लड़की कब हमारी कुंडली से निकलेगी। मुझे तो लगता है कि सब कुछ इसी के चक्कर में हुआ है। विनायक भाई की इस हालत की जिम्मेदार यही लड़की है। बंद करो अपना ये नाटक कान्हा जी के सामने। हमारे बेटे का जो हाल हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया ना प्यारा तो कुछ नहीं होगा मम्मी जी, वो हमारे पति, हम अपने पति को कुछ नहीं होने देंगे। तो क्या हम भगवान से भी लड़ाएंगे उन्हें बचाने की? नायक तुम्हारा पति नहीं है, खबरदार अगर उसे पति कहा तो। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा विनायक के साथ और ना ही इस घर के साथ। धक्के मार के हमने तुम्हें इस घर से बाहर निकाला था। हम लोगों का भला चाहने का ढोंग बंद करो और निकलो यहाँ से। हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे मम्मी जी, जब तक विनायक ठीक नहीं हो जाता, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, आप भी नहीं।
हम अपने पति के लिए व्रत रखेंगे मम्मी जी, पूरी रात जाके कान्हा जी की पूजा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो विनायक को जल्द से जल्द ठीक कर दे। कान्हा जी, हमसे विनायक की हालत नहीं देखी जाती, उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया ने तो उनसे सच्चा प्यार किया ना कान्हा जी, वो हमारा प्यार भी है और सुहाग भी। प्लीज कान्हा जी, हमारे प्यार हमारे सुहाग को बचाने में हमारी मदद कीजिए, जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। अपने बेटे के लिए हमें इस सांवली लड़की को एक रात ही सही अपने घर में पनाह देनी होगी। अपने बेटे को ठीक करने के लिए हम जहर का हर घूंट पीने को तैयार हैं। स्टेबल ना, खतरे वाली अब कोई बात नहीं। शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर साहब। खबरदार खबरदार जो कमरे में पैर रखा तो दूर रहो हमारे बेटे से। गलती से भी उसके आस पास दिखाई दी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मम्मी जी, विनायक अभी भी पूरी तरह कैसे ठीक नहीं हुए, प्लीज हमें देखभाल करने दीजिए प्लीज। कोई जरूरत नहीं है उसकी चिंता करने की, हम लोग काफी है उसका ध्यान रखने के लिए, जरूरत पड़ी तो उसके लिए नर्स बुला लेंगे, लेकिन तुम्हें अपने बेटे के आस पास आने नहीं देंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी, चल चल चल, विनायक के होश में आने तक तू यही रहेगी, चुपचाप पड़ी रहे इस कमरे में। गौर से देख ले इस कमरे की चार दीवारियों को। अरे दोस्ती कर ले, क्योंकि अब यही कमरा तेरी सारी दुनिया। वैसे निशुरानी, हमें इसमें तरस तो बहुत आ रहा है। अरे कहां तो इसने महलों में रहने के बड़े बड़े सपने देखे थे, और कहां मिला किस्मत में अंधेरा। हाँ एक बात और, अब तुझे ना विनायक के लिए जो भी पूजा पाठ जाप तप जो भी करना ना वो यही करना। और एक बात और ध्यान से सुन, इस कमरे से निकलने की कोशिश भी मत करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बुआ जी बिल्कुल चुप, चलो निशुरानी। बुआ जी हमारी बात सुनिए, बुआ जी प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। तो जानते हैं ना कान्हा जी, हमने पूरी आत्मा से विनायक को अपना पति माना, उनके साथ अग्नि के सामने साथ फेरे लिए। आज हमें हमारा पत्नी धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।
अरे बड़ी नींद आ रही है। हम तो फंस गए भाभी को ये आइडिया देके कि इस लड़की पे नजर रख लेते हैं। यहाँ उन्होंने हमें दरबार मना के बिठा दिया, वरना अब तक तो हम एसी चला के अपने कमरे में आराम से चादर तान के सो रहे होते, है ना निशु रानी? निशु रानी, निशु रानी, हाय हाय हाय, निशु रानी तो निकली बड़ी सयानी। ये तो गधे घोड़े बेच के आराम से सो रहे हैं और यहाँ हम उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ के जग के इसकी निगरानी कर रहे हैं। सासे सुषमा दिखाइए जरा कैसे करिश्मा, और आप भी थोड़ी सी नींद मार लीजिए। अच्छा ख्याल है, किसी को पता नहीं, थोड़ी देर सो जाते कौन सी आग लग जाएगी। अच्छा हुआ स्टोर रूम में हमें काढ़ा बनाने का सामान मिल गया, अब ये काढ़ा पीकर विनायक को भी जल्दी होश आ जाएगा। इश्क की हर जस्तजू तुझ पे खत्म तुझसे शुरू, सावन भी तू फागुन भी तू पाकर तुझे दुगना जियू, मेरा मान है मेरा गुरूर दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी मना किया था ना तुझे हमारे बेटे के कमरे में आने से? एक बार में कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आती? भाभी, हाय हाय भाभी, ये लड़की तो जरूरत से ज्यादा शातिर है, बहुत चलाकी। हम तो कहते हैं इसने जरूर ना हमें और निशा को खाने में कुछ मिला के खिला दिया, इसीलिए तो हमें इतनी मस्त नींद आ गई, हमारा मतलब एकदम बेहोशी सी छा गई और उसी का फायदा उठा के कंबख्त भाग आई यहाँ। हाँ हाँ बड़ी माँ, तुमसे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इस लड़की से निपट ले। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे बेटे के कमरे में आने की? लेकिन मम्मी जी, हम यहाँ विनायक की देखभाल करने के लिए आए थे, बहुत दर्द हो रहा था, तड़प रहे थे वो दर्द से, इसलिए हमने काढ़ा बनाया। क्या
हमसे बिना पूछे हमारे बेटे के लिए काढ़ा बनाकर ले आई तुम? मौक खराब हो गया क्या तुम्हारा? डॉक्टर हो गया तुम? हटो। हेलो डॉक्टर, मैंने आपको कॉल किया था ना, आप कितनी देर में आ रहे हैं? ओके जल्दी आइए। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया ना, तुम्हारी जान ले लेंगे हम। डॉक्टर साहब देखिए ना, इस लड़की ने हमारे बेटे को क्या पिला दिया है, हमारा बेटा ठीक है कि नहीं, प्लीज चेक कीजिए ना। चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने का प्लान बहुत अच्छा था, इसको आप कंटिन्यू रखिएगा। एंड आई एम श्योर ये दवाई से ज्यादा तेज असर करेगा। बाय द टाइम मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, आप इनको दे दीजिएगा। ओके जी, शुक्रिया। बेटा आप तो कैसा फील कर रहा है? थैंक यू कान्हा जी, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमारे विनायक को होश आ गया। रुक जाओ। सिद्धि मेरे पास आओ। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.